नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्विज्ञान समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पेट में लगातार गैस बनती है या फिर पेट साफ नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए। दरअसल पेट की गैस की समस्या की वजह से व्यक्ति दूसरों के लिए उपहास का कारण बन जाते हैं, जिस वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जिन लोगों को गैस बनती है वो कई बार दूसरों से खुद को दूर रखने लगते हैं। पेट में गैस तो वैसे हर किसी को बनती है, पर जिनका पाचन खराब रहता है या फिर उन्हें एसिडिटी और कब्ज रहती है, उन्हें गैस की शिकायत औरों से ज्यादा होती है। अगर पेट की गैस लंबे समय से हो रहे पेट में आफरा, पेट में भारीपन, अल्सर और बवासीर जैसी कई परेशानियां होने की आशंका को बढ़ा देती हैं, तो इसीलिए आप पेट की गैस से सावधान हो जाइए। पहले हम इसके कारण देख लेते हैं। उम्र दराज लोगों को गैस की समस्या ज्यादा होती है। चाय कॉफी पेट में गैस बनाने के प्रमुख कारण हैं। शराब, बियर और धूम्रपान, गुटखा जैसी चीजों का सेवन, ये सभी चीजें इसके जिम्मेदार हैं। जल्दी जल्दी खाना खाने से गैस की शिकायत हो जाती है। तला हुआ और अधिक मसालेदार चीजें खाना, जंक फूड खाने से भी पेट में गैस बनती है। कुछ लोगों को दूध पीने से, भोजन के साथ कोल्ड ड्रिंक पीने से और भूख से अधिक खाना खाने से भी गैस बन जाती है। फूल गोभी, भारी दालें, सफेद चने, राजमा, उड़द की दाल और देर से पचने वाली चीजों के सेवन से गैस की परेशानी हो जाती है। चलिए अब इसके लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण है पेट में दर्द रहना, पेट भारी भारी रहना, पेट में जलन होना, डकारे आना, अफारा भोजन के बाद पेट में भारीपन लगना, भूख कम लगना, खाना हजम ना होना और पेट ठीक से साफ ना होना पेट गैस के लक्षण है। अब देख लेते हैं घरेलू नुस्खे। सबसे पहला है, भोजन के बाद एक इलायची और एक लौंग लेने से एसिडिटी और गैस दूर रहती है। नंबर दो, खाने में अजवाइन का प्रयोग करें, इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है और गैस से राहत मिलती है। नंबर तीन, 2 से 3 लहसुन की कलियां लें और इसे बारीक काट लें। अब थोड़ा नींबू का रस और थोड़ा काला नमक लहसुन की कलियों में डालकर सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ निकल जाएं। इस घरेलू नुस्खे से गैस से राहत मिलती है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल के इलाज में भी मदद मिलती है। गर्मी के दिनों में लहसुन की 1 से 2 कलियां ही लें। पेट में गैस का समाधान में बिना दूध वाली नींबू की चाय पीने से भी आराम मिलता है। नींबू की चाय में थोड़ा काला नमक भी डाल सकते हैं। नंबर 5, थोड़ा सा काला नमक 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से पेट से जुड़ी परेशानियों में जल्दी फायदा मिलता है। नंबर 6, स्टोमक गैस प्रॉब्लम सॉल्यूशन एलोवेरा जूस त्रिफला पाउडर के साथ लेने से पेट गैस दूर होती है। नंबर 7, जीरा, अजवाइन, काला नमक और छोटी हरड़ एक समान मात्रा में पीसकर भोजन के बाद 2 से 5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ लें। इस होम रेमेडी से पाचन ठीक होता है और पेट से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। नंबर 8, नींबू का रस 2 छोटे चम्मच और थोड़ा सेंधा नमक हल्के गर्म पानी में मिलाकर पीने से भी पेट की गैस का इलाज कर सकते हैं। नंबर 9, मेथी के बीज और पानी से बनाया हुआ काढ़ा पेट गैस को काफी कम करता है। नंबर 10, दालचीनी 1/2 चम्मच लें और पानी में उबालें। ठंडा होने पर इसमें 1/2 चम्मच शहद मिलाएं और सुबह खाली पेट इसे पीने से पेट में गैस की परेशानी दूर रहेगी। अब इसका कुछ रामबाण इलाज देख लीजिए। 1 अदरक का छोटा टुकड़ा लें और दांतों से चबाएं और 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। इसके अलावा पानी में अदरक को उबालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, पाचन तंत्र सुधारने में जीरे का सेवन करना उत्तम है। पेट गैस की समस्या से जल्दी छुटकारा पाने के लिए ठंडे पानी में 1 चम्मच जीरा पाउडर घोल कर पिए। नंबर 3, गुड़ का एक छोटा टुकड़ा खाना खाने के बाद खाने से गैस नहीं होती और इस उपाय से पेट की आंतें मजबूत रहती हैं। दोस्तों, आपको सावधानियां जरूर रखनी है। दोस्तों, पेट की गैस हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है, जिससे हम सभी कभी न कभी परेशान होते ही हैं। घरेलू दवा और देसी नुस्खे से पेट गैस ट्रीटमेंट के अलावा इस समस्या से बचने और जड़ से गैस के उपाय करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, इसमें आप ज्यादा समय तक भूखे ना रहें। खाना बनाते वक्त सादे नमक के साथ साथ थोड़े से काले नमक का भी प्रयोग करें। शरीर को हमेशा चुस्त रखें, इसलिए अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज और योगा के लिए समय जरूर निकालें। मैदे से बनी चीजों के सेवन से परहेज करें। मैदे से बनी चीजों को पचाने के लिए पाचन तंत्र को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। खाना खाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा कुछ भी ना खाएं जो बेमेल हो। भोजन और प्रकृति के साथ खाएं।
उदाहरण के लिए भोजन खाने के बाद तरबूज खाने से पेट में गैस बनती है, इसलिए खाने की जो बेमेल चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।